राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल रायपुर की जनता को 1 नवंबर को 10 बड़े काम, जय स्तंभ चौक, बूढ़ा तालाब, अंग्रेजी मीडियम स्कूल, जवाहर मार्केट, मल्टी लेवल पार्किंग जैसे कई सौगातें देने जा रहे हैं और इसकी जानकारी एजाज ढेबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है। 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहे बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण का पहला फेज का शुभारंभ भी सीएम भूपेश बघेल करेंगे। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि बूढ़ा तालाब को लेकर 122 प्रयोग पहले हो चुके हैं मगर सब असफल रहे हैं, मगर इस बार आगे की प्लानिंग करते हुए टेंडर पास किया गया है और जिसका शुभारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को 20 साल का हो जाएगा। इस बीच छत्तीसगढ़ का विकास ही नहीं हुआ बल्कि कई पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किए गए हैं। ऐसा ही ये बूढ़ा तालाब है राजधानी रायपुर का, जिनका 78 एकड़ में ये विस्तृत है और इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण के कल सीएम यहाँ पे शुभारम्भ करेंगे और हमारे साथ एजाज ढेबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि प्रथम चरण के रूप में कल उद्घाटन हुए क्या क्या व्यवस्था है पहले चरण में। देखिए, पहले चरण में कल बूढ़ा तालाब का, कल हमारा राज्य स्थापना दिवस भी है और कल बूढ़ा तालाब का कल पहला फेज का कल उद्घाटन भी है। तो पहले फेज में हम लोग बोर्डिंग, वाटर स्पोर्ट्स, म्यूजिकल फाउंटेन, किड जोन, उसके अलावा हमारे जो और भी रंगीन बंगीन हमारी जो लाइटें हैं, उसके अलावा जैसे हम अभी हम चलते घूम रहे हैं कि देखिए ये 100-100 फीट के फव्वारे, ये पहले फेज में हम ये देने जा रहे हैं रायपुर की जनता को सौगात। रंग करेंगे कौन कौन सा? उसके अलावा फिर अब हम यहाँ से चलेंगे तो कोतवाली नया थाना बन के तैयार है, उसके अलावा फिर आप बात आगे चलेंगे तो जवाहर बाजार तैयार है, उसके आगे फिर हम और आगे चलेंगे तो जैसम बहुत सुंदर बन गया है, उसके अलावा फिर मोतीबाग तालाब है, उसके अलावा मुख्यमंत्री जी की और हमारी पूरी परिषद की एक बहुत बड़ी मंशा थी कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कुछ करना चाहते थे। हमें वह भी दिन याद है कि जब हम जैसे ही हमारी परिषद बनी थी, जैसे ही हम मेयर की शपथ लिए थे, हम और सभापति जी और एमआईसी मेंबर लोग, हम लोग सबसे पहले दिल्ली गए थे, 6वें 7वें दिन हम दिल्ली पहुंच गए थे। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में हम कुछ करना चाहते थे और हम अपनी योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते, हम जैसे ही बताए तो उन्होंने उस योजना को हाथों हाथ लिया और कल उसी का परिणाम है कि कल मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के तहत कल हमारी बस, मोबाइल बस चालू हो रही है जिसमें गरीबों का फ्री में इलाज होगा। पहले भी यहाँ बोर्ड चलाने का प्लानिंग किया गया था और बोर्ड उतारा गया था, वो सक्सेस नहीं रहा, इस बार वही प्लानिंग है, तो इस बार क्या विशेष ख्याल रखा गया? देखिए, पहले ये नगर निगम के क्षेत्र के अंदर नहीं था, पहले यह पर्यटन बोर्ड के अंदर था। कहाँ टेंडर हुआ, किसको टेंडर हुआ, कहीं पर भी किसी को कोई अता पता नहीं था। और वैसे भी यह तालाब पहले प्रयोगशाला का केंद्र रहा, 122 प्रयोग इसमें हो चुके हैं, सफाई को भी लेकर, बोर्ड को भी लेकर, सौंदर्यकरण को भी लेकर, मगर प्रयोग जो सफल हुआ वो हमारी परिषद का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का और हमारे मंत्री शिव कुमार डहरिया जी का यहाँ पर प्रयोग सफल हुआ है। अभी क्या क्या यहाँ पे चालू हालात में है क्योंकि इस दो फेज में इसमें काम होना है? देखिए, पहले फेज में मैंने पहले कहा कि हम वाटर स्पोर्ट्स के अलावा, जो वाटर स्पोर्ट हम बाहर देखने जाते थे वो वाटर स्पोर्ट अब हमको यहाँ पर, जो हम टीवी में देखा करते थे, जो हम पिक्चरों में देखा करते थे, वो वाटर स्पोर्ट अब हमको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही हम म्यूजिकल फाउंटेन, जो देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन, हम यहाँ पर लाने जा रहे हैं। इसके अलावा फव्वारे, अलग 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 प्रकार की लाइटिंग है, उसके अलावा किड्स जोन है, उसके अलावा मतलब इसमें पूरा पैकेज है, संपूर्ण पैकेज है, बच्चे के जन्म से लेकर उसके मतलब 100 साल तक के सभी को उम्रों का इसमें ध्यान दिया गया है। बूढ़ा तालाब पूरा पैकेज एक पर्यटन स्थल है। ये कभी हमारे साथ मौजूद है, कितना फायदा मिलने वाला है यहाँ पे पर्यटन के दृष्टि से अगर देखे राजधानी में? तो देखिए, कोई नया सृजन जब होता है तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत तकलीफें होती है। माँ अगर बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीने वो गर्भ में रखती है, दर्द सहती है। ये जो बूढ़ा तालाब है, ये वर्षों बाद आज देखिए आप उसका कायाकल्प, लोगों के अनुसार महापौर जी और मुख्यमंत्री जी, हमारे पूरे एमआईसी के मेंबर गण, ये उसके अनुसार काम किए हैं। तो जब शहर नया बनता है, आपको याद है 127वें नंबर पर रायपुर शहर था, आज 7वें नंबर पर रायपुर शहर है, तो 7 बड़े नेशनल अवार्ड मिले, इंटरनेशनल अवार्ड मिले, तो यही सब कामों के कारण तो मिला। हमने ये काम करके दिखाया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारी परिषद की सोच थी कि रायपुर शहर अब विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल से परिपूर्ण होना चाहिए। बहुत सारे नए निर्माण हुए, आप देखिए 50 करोड़ का बस स्टैंड बना, तेली बांधा तालाब, खटरा तालाब का अस्तित्व समाप्त हो गया था। मूल रूप से तो ये तालाबों और मंदिरों का शहर था, तालाबों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा था। आज आप देखिए इस तालाब
को देखने के बाद, चूंकि यहाँ आसपास के 20 वार्ड से मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार प्रतिदिन आता है घूमने के लिए, रायपुर शहर राजधानी है, लगभग 3 लाख फ्लोटिंग पीपल रायपुर शहर में आते हैं प्रतिदिन, तो अपने काम निपटाने के बाद ये ऐसे स्थलों को देखने के बाद अपना समय गुजारेंगे और अपने परिवार के लोगों को लाएंगे, तो एक मैसेज जाता है। क्योंकि ये राजधानी है तो बाकी जगहों पर भी अन्य प्रांत के लोग अब रायपुर में आकर इनकी खूबियों को अपने प्रांतों में करने लगे, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। सीएम भूपेश बघेल का लोकार्पण करने वाले हैं। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्यजीत राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश को